वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस आकाश फ्रेंड्स, आज हम करने वाले टेक्निकल एनालिसिस रतन पावर का। स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन फेस में था, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, देखेंगे क्या अपडेट्स है उस पर और क्या आगे के लेवल्स भी हो सकते हैं, तो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले। एक अच्छा पैटर्न बन रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाना चाहता था। बड़ी पिक्चर ये है कि स्टॉक एक बन रहा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, बहुत अच्छी चीज है। और कहाँ पे बना रहा है, देखिए पैटर्न कहाँ पे बने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक पैटर्न बन रहा है, पॉजिटिव चीज है। पोजीशन कहाँ पे बन रही है, ये सेकंड पॉजिटिव चीज होती है। स्टॉक अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड में जाके सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। देखिए बहुत सिंपल से मैं कहूंगा, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में कोई पैटर्न बन रहा है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपसाइड ही ब्रेक करेगा। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में और एक पैटर्न बन रहा है कोई, तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चलेगा वापस। तो ये कभी भी याद रखिए, आप नेक्स्ट टाइम भी कोई स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो तो ये चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इतना बड़ा जो डाउनफॉल आया था, फिर स्टॉक ने ऐसे रिकवर करना स्टार्ट किया, एक अच्छा सा यू पैटर्न बनाया है स्टॉक ने एंड वापस एक अपना अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। थोड़े से मैं कर दूँ ड्रॉइंग्स क्लियर ताकि मैं आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ। ओके देखिए ये हाई था, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया स्टॉक एंड फिर देखे यहाँ पे बनाया हाई, अगेन बनाया यहाँ पे हाई। तो ये क्लियर दिखाता है कि जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था वो हो चुका है ब्रेक और स्टॉक अब ट्रेंड में जा चुका है। अब स्टॉक अपना बॉटम भी बना चुका है। तो ये था स्टॉक का बॉटम, जो कि एक अच्छी चीज है। तो आप अगर आपने इस लेवल्स पे बाय किए तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो गए अभी। तो चलिए स्टॉक चला गया ऊपर और फिर चला गया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में। ओके ये रहा हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली और कुछ भी स्टॉक इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बिल्कुल ट्रेड कर सकता है फ्रेंड्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है नाले आगे के रिजल्ट्स, जब कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे इस क्वार्टर के एंड ईयरली भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत डिपेंड करेगा एंड हाई पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड है रतन इंडिया पावर के कि स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर की साइड भी ब्रेकआउट दे दे। चलिए ये था वीकली टाइम फ्रेम, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखेंगे एक लेवल, देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन के आ रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे लिया था थोड़ा सा सपोर्ट और यहाँ से वापस एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। चलिए ये देखते हैं ये क्या चीज होती है। स्टॉक गया ऊपर, स्टॉक को इस जोन पे टच करना था बट स्टॉक ने यहाँ पे टच नहीं किया, स्टॉक यहाँ से ही ऊपर चला गया। देखिए इसका क्या मीनिंग होता है कि यहाँ से इतने बायर्स आ गए कि स्टॉक को नीचे टच ही करने नहीं दिया। बायर्स ने यहाँ से ही स्टॉक पिक करना चालू कर दिया, बायर्स यहाँ से ही एग्रेसिव हो गए। अग्रेसिव होने के बाद स्टॉक वापस से यहाँ पे ही ट्रेड करने लगा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। अब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक वापस से अपने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर चुका है। तो ये था, इसका मतलब बायर्स अग्रेसिव हो रहे हैं स्टॉक्स में आ रही है कंटिन्यूअसली बाइंग। ये बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है रतन इंडिया पावर के शेयर होल्डर्स के लिए। दो चीजें देखी हमने, स्टॉक अप ट्रेंड में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में भी अग्रेसिव बायर्स आके प्राइस ऊपर पुश करना स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए कुछ लेवल्स देखेंगे कहाँ पे आपको स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। देखिए अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, बहुत ही कंजर्वेटिव फ्रेंड्स, तो आपको स्ट्रेट अवे ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा। आप 4.85 का थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हो और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा है उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक इलॉजिकल स्टॉप लॉस हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि अगर इन केस अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके आपस से ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ यहाँ पे अगर आप रिस्क ले सकते हो। तो ये थे दो स्टॉप लॉस। टारगेट्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे टारगेट्स बन के आते हैं। शॉर्ट टर्म में स्ट्रेट आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है 6.25 एंड सेकेंड टारगेट होने वाला है हमारा 8.85 एंड थर्ड होने वाला है हमारा टारगेट जो कि 9.65, ऑलमोस्ट 10 का टारगेट बन के आ रहा है रतन इंडिया पावर में। देखिए स्टॉक तो अब अच्छा चल रहा है, कंपनी को भी अच्छा डिलीवर करना होगा,
रिजल्ट्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपके लेवल्स बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम थोड़ी सी वॉल्यूम की बात भी कर लें, ओके थोड़ा सा जूम कर लो ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, एटलास्ट वीडियो उसके लिए बनाई गई है। ओके देखिए, एक छोटा और कंसेप्ट बता दूं, अगर स्टॉक जा रहा है ऊपर और वॉल्यूम आ रहा है ऊपर तो ये बिल्कुल पॉजिटिव साइन होती है। देखिए यहाँ पे स्टॉक ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है सपोर्ट लेके, वॉल्यूम्स भी राइज होना स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी पॉजिटिव साइन। अगर वॉल्यूम के साथ जब स्टॉक ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक वीक अप ट्रेंड नहीं, एक स्ट्रांग अप ट्रेंड है, बिल्कुल स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम जा रहा है डाउन तो हम इसे कहते हैं वीक अप ट्रेंड, और इसका मतलब होता है स्टॉक आगे जाके नीचे आ सकता है। तो इस केस में वॉल्यूम्स ऊपर जा रही है, स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, गैप अप ओपन हुआ था, अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी की साइन दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्टॉक में बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है फॉर नाउ, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है स्टॉक में। अगर आपने ऑलरेडी इसमें पोजिशन बना के रखी है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको न्यू पोजिशन बनानी है तो आप इस लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन पे न्यू पोजीशन बना सकते हो, और टारगेट्स और स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। और स्टॉक तो मैं रेगुलर अपडेट्स भी लाता रहूंगा फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन भी हिट कर देना। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू।